हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह. हमारे जो अभी के टॉपिक चल रहे हैं पेडागोजी के, उसमें हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स चल रहे हैं, उसके सब पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हमने कवर कर लिए हैं. आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, उनके सब पॉइंट्स जो भी आपके टाइप थे हमारे टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री और ये सब बाकी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे. वन बाय वन हम सारे कवर करते हुए चल रहे हैं अपना पूरा सिलेबस, तो होपफुली इस वाली मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाए. देन आपको काफ़ी टाइम रिवीजन के लिए मिल जाएगा. हार्डली आप एक वीडियो को एक से या दो बार भी देखेंगे तो इनफ है, ज़्यादा टफ नहीं होगा. क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि आपको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन, आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई एक्सप्लेनेशन देने के लिए ट्राई करूं, ताकि आपके लिए बेटर नॉलेज से आपके कनेक्ट हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. इसी वजह से तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जो हमारे सब पॉइंट्स चल रहे थे विजुअल एड्स में, हमारा एक टॉपिक जो इसके अंदर चल रहा था वो था ऑडियो विजुअल एड्स. ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स में हमने ऑडियो कवर कर लिया था. देन विजुअल एड्स में अभी तक के मैंने आपके साथ मैप, ग्लोब डिस्कस कर लिया है. देन आज हम डिस्कस करेंगे चार्ट, पोस्टर, कार्टून एंड फोटोग्राफ्स. ये आपके चार हैं जो आपके विजुअल एड्स में हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम चार्ट्स की. ठीक है, देखिए चार्ट्स क्या होते हैं और वो प्राइमरी क्लासेस में या एलिमेंट्री क्लासेस में या हायर क्लासेस में क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैसे हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए इन सब चीज़ों का. तो बेसिकली एजुकेशन के अंदर जो चार्ट रखा गया है, चार्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ज़्यादा ब्रॉड एरिया नहीं होता, छोटे छोटे तथ्य यानी कि कॉन्सेप्ट्स को दिया होता है जो किसी ना किसी के साथ संगठित, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में संगठित होते हैं, जो हमें किसी भी टॉपिक को समझने में किसी के थ्रू हेल्प करते हैं. ठीक है, चार्ट आप बेसिकली पिक्चराइज भी हो सकता है, टेबल में भी हो सकता है, एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आंकड़े एकत्रित किए गए हों, मतलब डाटा कलेक्शन किया गया हो किसी भी चीज़ का, किसी टॉपिक के सन प्रत्यय को क्लियर करने के लिए, मतलब किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको चार्ट दिखाया जाता है कि इसके माध्यम से आप इसको समझ लीजिए. मान लीजिए कि आपको सीपी जाना है या सीपी आपको देखना है कि सीपी कैसा है एक्चुअल में, तो अगर मैं आपको सीपी का चार्ट दिखा दूं तो उसके अंदर क्या दिखाऊंगी, मैं सीपी को प्रॉपर क्या लोकेट करके दिखा दूंगी कि गोलाई में सीपी बना हुआ है, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पिज़्ज़ा हट है, यहाँ डोमिनोज है. ठीक है, तो वो क्या होगा, आप जो सीपी के बारे में समझ रहे हो उसको प्रॉपर वे में चार्ट के थ्रू समझ सकते हो. ठीक है, अब उसी के बारे में बात करते हैं कि चार्ट जो है आपका, जिसमें रेखाओं, छोटी छोटी आकृतियों, शब्द, तथ्यों और विचारों का क्रमबद्ध संबंध स्थापित किया जाता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चार्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, आंकड़े होते हैं, अंक होते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज वे में सीमित किया जाता है जिससे आपको किसी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी अच्छे से करवाई जा सके. ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ट, चार्ट के कितने प्रकार होते हैं. अब टाइप ऑफ चार्ट्स पढ़ लेते हैं. पहला टाइप है टाइम चार्ट. फर्स्ट टाइप आता है आपका टाइम चार्ट यानी कि समय चार्ट. इसके अंदर क्या होता है कि समय चार्ट के माध्यम से, टाइम चार्ट के थ्रू घटनाओं से संबंधित ज्ञान का प्रकट किया जाता है, मतलब घटनाओं से संबंधित ज्ञान को प्रकट किया जाता है जिसमें, जिसको समय चार्ट बोलते हैं. मतलब इसको समय चार्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें टाइम बेस्ड होता है कि इस टाइम पे ये घटनाएं हुई, इस टाइम पे ये चीज़ें चल रही हैं. जैसे मान लीजिए बजट पेश किया जाता है तो वो एक टाइम पे पेश किया जाता है, तो हम उसका चार्ट कलेक्ट कर सकते हैं, उसका चार्ट बना सकते हैं कि इस टाइम का चार्ट बजट का ये रहा, इस साल का ये रहा, ये रहा. ठीक है, तो वो होता है टाइम चार्ट, जिसके अंदर आप किसी घटनाओं को के लिए तथ्यों को क्या है, एक समय के अनुसार उसको, घटनाओं को महत्वपूर्ण रूप से टेबलाइज कर सकते हो. ठीक है, सेकंड आता है आपका फ्लो चार्ट. सेकंड आता है आपका फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में क्या होता है आपके, इस प्रकार के चार्टों के द्वारा संगठनात्मक तत्वों तथा उसके क्रियात्मक संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है. मतलब जो भी एक ऑर्गेनाइज वे होता है उसको, जैसे मान लीजिए शिवाजी का शासन,
चंद्रगुप्त का शासनकाल, कांग्रेस का संविधान. अब संविधान में क्या है, अगर कांग्रेस का संविधान पूछा जाए या फिर चंद्रगुप्त का शासन पूछा जाए तो उसमें आप क्या करोगे? चंद्रगुप्त का शासन जहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे बढ़ा, जो जो कंडीशन हुई, जब ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ, उसका पूरा डाटा दोगे ना. तो ये होता है आपका फ्लो चार्ट, जिसमें एक फ्लो बना रहता है, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक एक फ्लो बना रहता है, जिसके अंदर संगठन किया जाता है किन्हीं तत्वों को, मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी वे में. ठीक है, थर्ड आता है आपका जेनियोलॉजिकल चार्ट. इसके अंदर क्या होता है, जेनियोलॉजिकल चार्ट में, इस प्रकार के चार्ट में मुख्यतः विकास तथा अभिवृद्धि को प्रदर्शित किया जाता है. मतलब इसके अंदर, जेनियोलॉजिकल चार्ट के अंदर, किसी भी चीज़ का विकास या अभिवृद्धि, यानी कि एप्टीट्यूड को प्रेजेंट किया जाता है. जैसे आप एक बच्चे का जेनियोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं कि उसकी वृद्धि दर वृद्धि कितनी बढ़ रही है, और उसकी इस समय पर कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ, या भूगोलों के प्रभाव हो गया, शिक्षा का विकास हो गया. ये सारी चीज़ किसके अंदर आती है, जेनियोलॉजिकल चार्ट, जिसके अंदर एप्टीट्यूड और चीज विकास को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो इस चीज के अंदर रखी जाती है कि शिक्षा का विकास कितना हुआ, गरीबी का कितना विकास हुआ, गरीबी रेखा कितनी कम हुई. तो जिसमें विकास हो रहा है, ठीक है, तो याद रखना, जिसमें विकास करवाया जाता है वो जियोलॉजिकल चार्ट में दर्शाए जाते हैं. फ्लो चार्ट में जब एक संगठित रूप में किसी के बारे में बताया जाता है, एक फ्लो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और टाइम चार्ट में जब घटनाओं को दर्शाया जाता है एक टाइम पर. ठीक है, उसके बाद आता है पिक्टोरिकल चार्ट, यानी कि चित्रात्मक, जिसके अंदर पिक्चर्स होती हैं आपकी. पिक्टोरिकल चार्ट्स में क्या आता है, इन चार्ट में चित्र रखे जाते हैं, जिससे बच्चों की रुचि यानी कि इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है. बच्चों को क्या है, टीचिंग के माध्यम से इसमें अगर पिक्चराइज कर दी जाएगी कोई चीज़, पिक्चर्स के माध्यम से समझाएगी, तो बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा. और बेसिकली जो फोर्थ पॉइंट है आपका पिक्टोरिकल चार्ट, ये क्या है, प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसके अंदर पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे किसी प्रकार के चित्रों का, आकृतियों का, आरेखों का यूज़ करके हम इसके अंदर कैसे समझा सकते हैं, जैसे संचार के माध्यम समझा सकते हैं कि हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, टेलीफोन रख सकते हैं, टीवी का डायग्राम दिखा सकते हैं, कंप्यूटर दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं. यातायात के साधनों के बारे में पढ़ा सकते हैं, तो उसमें बता सकते हैं यातायात के साधन, कि आप बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं. तो क्या उसमें पिक्चर्स यानी कि चित्र के द्वारा आप पढ़ा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है टेबल चार्ट. आपका फिफ्थ पॉइंट आता है टेबल चार्ट. टेबल चार्ट के अंदर क्या होता है, सूचनाओं तथा तथ्यों की तालिका के रूप में रखा जाता है. मतलब एक टेबल बनाई जाती है, उस टेबल के अंदर असमानताएं, असमानताएं की बड़ी सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब तुलना की जाती है. मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे टेबल बना दी कि ये टेबल बना दी कि सिक्स क्लास के बच्चों की हाइट कितनी है और ये सेवन्थ क्लास के बच्चों की हाइट कितनी है, और मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया उसकी हाइट लिख दी, नाम लिख दिया उसकी हाइट लिख दी, और यहाँ पे भी, तो तुलना हो गई और एक क्या किया, चार्ट रेडी कर लिया. तो जब मेरे को प्रिंसिपल को रिपोर्ट देनी होगी या कुछ, तो वो ईजिली इस चार्ट के अनुसार समझ सकती है कि सिक्स क्लास के बच्चे इधर है, सेवन के इधर, कुछ हॉच पॉच नहीं होगी. ठीक है, तो ये हो गया टेबल चार्ट, जिसके अंदर टेबल यानी कि टेबलाइज टाइप में आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं. सिक्स्थ आता है आपका फ्लैप चार्ट. फ्लैप चार्ट में क्या होता है, इसके अंदर एक से अधिक चार्टों का प्रयोग किया जाता है. फ्लैप चार्ट के अंदर एक से ज़्यादा चार्टों का प्रयोग किया जाता है. इसमें बेसिकली लेयर्स का प्रयोग किया जाता है, कि पहले एक चार्ट हो गया, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, तो ऐसे चार्ट की व्यवस्था की जाती है इसके अंदर. जैसे इसमें एक के एक नीचे दूसरा चार्ट होता है, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, जो आपकी विषय सामग्री को तालिका, चित्र, आरेख, ग्राफ आदि की सहायता से प्रदर्शित करता है. तो फ्लैप चार्ट क्या हो गया, फ्लैप चार्ट में एक रेंज होती है, रेंज वन, रेंज टू, रेंज थ्री, एक के बाद एक नीचे चार्ट दिए होते हैं, जो आपके जो भी डाटा है, जो भी आपका आरेख है, जो भी है, वो सब चीज़ों से माध्यम से करता है फ्लैप चार्ट के अंदर. इसमें आरेख भी हो सकते हैं, चित्र भी हो सकते हैं, ग्राफ भी हो सकते हैं, लाइनिंग्स भी हो सकती हैं. ठीक है, तो ये आपके टाइप थे, सिक्स टाइप के आपके चार्ट होते हैं, टेबल चार्ट, फ्लो चार्ट,
जूनोलॉजिकल चार्ट और आपका पिटोलॉजिकल चार्ट, टेबल चार्ट और फ्लैप चार्ट, ठीक है। तो ये सारे चार्ट समझ आ गए होंगे आपको। अब बात करते हैं चार्ट के उचित प्रयोग के लिए सुझाव। मतलब चार्ट का जब भी आप यूज़ करें क्लासरूम के अंदर तो कैसे करें एज अ टीचर, ताकि वो बच्चों के लिए बोरिंग ना हो बल्कि इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। और बच्चों के लिए ये ना हो कि वो टीचिंग में हेल्प ना करें, क्योंकि किसी भी चीज़ का आप एड्स का यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पस ही ये है कि आपको बेस्ट लर्निंग बच्चों को करवानी है, वो भी इंटरेस्टिंग वे में, ताकि बच्चे इजीली उसको समझें और उनको फील भी ना हो कि हम कितनी देर से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके सुझाव क्या हैं कि चार्ट को उपयोग करने के। पहला है, चार्टों के तथ्य, घटनाओं, तिथियों आदि को बहुत अधिक मात्रा में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। एक चार्ट में केवल वही बातें दिखाई जानी चाहिए जिसे समझाने के लिए उपयोग हो। मतलब एक चार्ट के अंदर आपको कम से कम डाटा रखना है। अब जैसे मैंने ये चार्ट मान लीजिए बनाया, तो इसके अंदर अगर मैंने हाइट को लेकर चला है कि 6 की इतनी, 7 की इतनी, 8th क्लास की हाइट, तो एक टॉपिक है कि हाइट के ऊपर ही समझाया जा रहा है, तो एक को देख के दूसरे को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल पता चल जाएगा कि 7th क्लास के बच्चे में कितनी हाइट है, 8th वाले की कितनी है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के अंदर हाइट भी ले लूँ, वेट भी ले लूँ, आई साइट भी ले लूँ और वीकनेस भी ले लूँ, ब्लड टेस्ट भी ले लूँ, तो वो क्या खिचड़ी बन जाएगी। तो उसमें बच्चों को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना ईजी नहीं होगा। तो इसीलिए एक चार्ट के अंदर इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिन तथ्यों घटनाओं को समझाया जा रहा है कम से कम उनको रखें। उसके बाद चार्ट में अनुकूल, उचित, सार्थक और संबंधित तथ्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो उचित है, जो वैलिड डाटाज हैं। अब अगर मान लीजिए मैं बजट की रिपोर्ट के बारे में चार्ट बना रही हूँ, ठीक है, मैंने उठा के 1992-1998 का बना लिया, वो तो यूज़फुल ही नहीं है। या जब स्टार्ट ही नहीं हुआ था बजट, लेकिन नॉर्मली हम ऐसे ही अपना हिसाब किताब देखते थे, तब का उठा लिया, तब भी वो यूज़फुल नहीं है। तो डाटा ऐसा वैलिड होना चाहिए जो उस टाइम के मुताबिक हो, ठीक है। आप बहुत पुराना उठा लो या बहुत ज़्यादा एडवांस उठा के उसमें रख दो तो वो भी वैलिड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, चार्ट का प्रदर्शन शिक्षण प्रक्रिया में समय व आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। चार्ट जो है कभी भी आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो तो ऑन द टाइम करना चाहिए, जब उसका टाइम हो तब करना चाहिए। ऐसा नहीं है अब टाइम है तो आप यूज़ ना करके कुछ और ही सिखा रहे हो। अगर आपको बच्चों को साधन सिखाने हैं, यातायात के साधन सिखाने, संचार सिखाने हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप फ्लैप चार्ट और सॉरी पिक्टोरिकल चार्ट यूज़ करें वहाँ पे। अगर उस टाइम पे आपने वर्बली बच्चों को समझा दिया, देन दूसरे टॉपिक के लिए आप ये वाला चार्ट यूज़ करें चित्रों का, तो वैलिड नहीं है ना वहाँ पे। तो इसीलिए ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कब कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी है। उसके बाद चार्ट पर मुख्य शीर्षों को बड़े अक्षरों में उचित ढंग से स्पष्ट अंकित किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी आपका चार्ट है, आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो भी आपने बनाया है, उसके अंदर क्या है, पिक्चर्स हो, उसके बारे में लिखा गया हो, वो बिल्कुल स्पष्ट, मोटा और काला, बड़ा बड़ा होना चाहिए। और उसकी हेडलाइन इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को पता रहना चाहिए कि हेडलाइन क्या है पहले। अब जैसे हेडलाइन है, ये सब कुछ ब्लैक ब्लैक हुआ हुआ है, अगर मैं इसको ब्लू में रख दूंगी तो वो हाईलाइट करेगा कि हाँ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्देशन सामग्री हमें पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अध्यापक को हमेशा यही प्रयत्न करना चाहिए कि विद्यार्थी के द्वारा बनाए गए चार्टों का प्रयोग करें जिन्हें अध्यापक के निर्देशन से निर्मित किया गया हो। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मार्केट से खरीदे हुए चार्ट का यूज़ ना करें, उन चार्ट्स का यूज़ करें जो स्टूडेंट्स ने खुद बनाए हैं, क्योंकि वो अच्छे भी होंगे और बच्चे उनको और अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है या मेरे द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन ध्यान ये रखा जाए कि वो जो भी चार्ट बनवाए जाए स्टूडेंट्स के द्वारा, वो टीचर के इंस्ट्रक्शन के टूवर्ड्स बनवाए जाए, ठीक है। उसके बाद आता है चार्ट सरल तथा सुबोध होना चाहिए, जिसमें रेखाओं, बिंदुओं, शब्दों का प्रयोग विद्यार्थियों की मानसिक बुद्धि व बौद्धिकता अवस्था के अनुकूल होना चाहिए। चार्ट ऐसा होना चाहिए जो साफ सुथरा,
सुबोध सरल होना चाहिए और मेनली बात ये होनी चाहिए कि बच्चों की मानसिक स्थिति या बौद्धिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मुझे प्रिटोरिकल चार्ट में संसाधन पढ़ाने चार्ट पढ़ाने तो मैं ये प्राथमिक स्कूल्स के लिए रखूँगी। अगर यही सारी चीज़ें मैं ट्वेल्थ क्लास में बच्चों को पढ़ाऊँगी कि देखिए यातायात के साधन ये हैं, इनके पिक्चर्स ये हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उल्टा टीचर का मजाक बन जाएगा कि मैम क्या पढ़ा रही है ये, है राइट। तो इसीलिए तो वहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जिस टाइम पे जो चीज़ यूज़ करनी है, जिस लेवल के अकॉर्डिंग करनी है, वो टीचर को ध्यान रखना चाहिए। और प्राइमरी क्लासेस के अकॉर्डिंग उनके लिए, हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग उनके लिए मानसिक स्तर का ध्यान रखें कि उनका मेंटल लेवल कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ट मेकिंग करवानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों को चार्ट बनाने में प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने अभी बताया आपको कि ऐसे चार्ट यूज़ करना चाहिए जो स्टूडेंट्स के थ्रू बनवाए जाएं, ये नहीं कि आप मार्केट से परचेज़ करवा लें, बच्चों से को बोले कि घर जाके माम से बोलिएगा ये वाला चार्ट चाहिए, ये वाला चार्ट चाहिए। बच्चों को खुद आप मोटिवेट करें कि बच्चे खुद अपने क्या है उन चार्टों को बनाए, ठीक है। चार्ट के द्वारा निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए, बेसिक सा पॉइंट है। आप ऐसे ही चार्ट का यूज़ करोगे कि यातायात के साधन पढ़ा रहे हो या बजट पढ़ा रहे हो या आपका किसी घटना से संबंधित पढ़ा रहे हो, साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी आप ज्ञान प्रदान कर रहे हो बच्चों को, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मतलब आपके प्री प्लान जो गोल्स हैं उनकी अचीवमेंट्स होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने सब कुछ पढ़ा दिया, दिखा दिया, समझा दिया, लेकिन बच्चों के लास्टली आपने इवैल्यूएशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बच्चों को कुछ समझ आया ही नहीं, ठीक है। ये थे आपके इसके यूजेस चार्ट के, उपयोग किस किस रूप में करने चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं चार्ट को प्राप्त करने के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ चार्ट। हमें सोर्सेज क्या मिलते हैं चार्ट के, जहाँ से हम चार्ट को प्राप्त कर सकते हैं। पहला, चार्टों का निर्माण अध्यापक और विद्यार्थी द्वारा किया जा सकता है। जो चार्ट्स बनाए जा रहे हैं वो खुद टीचर बना सकती है और स्टूडेंट्स के थ्रू भी चार्ट बनवाए जा सकते हैं। सेकेंड, चार्ट खरीदे जा सकते हैं मार्केट से। थर्ड, चार्ट की निमंता लागत पर अधिक निम्नलिखित स्रोतों पर ध्यान दिया जा सकता है, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार दिल्ली द्वारा, ठीक है। उसकी लागत पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे आपके NCERT हो गई, SCERT हो गई, या पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स हो गए, ये सारे क्या हैं, अपना अपना एक डाटा कलेक्शन चार्ट रेडी करते हैं, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है चार्ट का महत्व और उपयोगिता, मतलब उसके एडवांटेज और यूजेस क्या हैं चार्ट के, ठीक है। चार्ट के यूजेस और एडवांटेजेस क्या हैं, अब वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमें कि इन्हें कम समय में शीघ्रता से बनाया जा सकता है, ठीक है। चार्ट्स को क्या है, कम समय में ही हम बहुत जल्दी बना सकते हैं, वो टीचर के द्वारा भी बना सकते हैं, आपके स्टूडेंट के द्वारा भी बना सकते हैं। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि चार्ट के मेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, कि इसमें कम समय लगता है इसको बनाने में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि अमूर्त चीज़ों को बड़े ईजी वे में प्रदर्शित किया जा सकता है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, ताजमहल हमारे पास नहीं है, हम वहाँ पे बेसिकली जाके फिजिकली जाके उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम उसको चार्ट पे ड्रॉ करके बच्चों को समझाएं तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको एक्चुअलिटी में उसको देख कर समझ सकते हैं कि उनको ऐसा फील होगा कि ये हमारे सामने ही है, ठीक है। तो जो अमूर्त संप्रत्यय हैं उनको बड़ी सरलता से बच्चों को समझाया जा सकता है, ठीक है। विषय सामग्री रुचिकर बनाई जा सकती है, मतलब इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। केवल बुक्स और लेक्चर मेथड ब्लैकबोर्ड पे लिख के शायद बच्चों को इतना इंटरेस्टिंग वे में ना समझ आए, अगर मैं चार्ट्स का उपयोग करती हूँ या बाकी चीज़ों का तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आता है और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उसके कलर्स, उसके डायग्राम्स, उनके पिक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद
कि चार्ट का प्रयोग हम उसी वे में कर सकते हैं कि जितनी आवश्यक चीज़ें हैं हम उनको रखें और अनावश्यक यानी कि यूजलेस चीज़ों को छोड़ दें। मतलब अगर आपको किसी के शासन के बारे में पढ़ाना है या कुछ पढ़ाना है, अब आप ये तो नहीं लिखेंगे ना उसके अंदर जो बेसिक उसके पॉइंट है कि उसका साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, कब उसने किले जीते, कब उसने राज्य पर स्थापित किया, क्या क्या उसकी अचीवमेंट्स रही, उसने उस पतन कैसे हुआ साम्राज्य का, ये सारी चीज़ें लिखी। अब ये तो नहीं कि वो पाप में कैसे गया, उसने अपनी बीवी से शादी कैसे करी, ये कैसे किया, वो कैसे किया, तो ये तो बेकार की बातें हैं। तो इसीलिए जो आवश्यकताएं वाले बिंदु हैं वो पूरी रामकथा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल उन उन पॉइंट्स को चार्ट के अंदर डाल सकते हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको बच्चे को समझानी है, ठीक है। इसके बाद चार्ट विभिन्न स्रोतों के से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब चार्ट एक ऐसी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि हम उसको खरीद नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते, या वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, या बहुत टाइम लग जाएगा, या टाइम कंज्यूमिंग है, ये सोच के अगर उसका यूज़ ना करें तो इस बात से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से क्या है चार्टों को कलेक्ट कर सकते हैं, जो आप कभी भी किसी भी टाइम उनको यूज़ करके टीचिंग करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है इसके माध्यम से आंकड़ों, चित्रों तथा तथ्यों को संबंध स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब अगर आपको कोई डाटा कलेक्शन, कोई चीज़ बच्चों को समझानी है, कुछ तथ्य या कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो इसके माध्यम से जैसे आपने अभी मतलब 6th, 7th, 8th क्लास में क्या है आपका बॉडी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, माइंड का पार्ट होता है, अगर आप उनको बुक को लेकर बुकिश लैंग्वेज पढ़ के समझाओगे तो उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन हम जब बॉडी पार्ट्स का और पूरे शरीर के ढांचे का चार्ट दिखाते हैं बच्चों को कि यहाँ पे देखो आपके हाथ होते हैं, यहाँ पे बोन्स होती हैं, यहाँ पे आपका माइंड होता है, लंग्स होते हैं, लीवर्स होते हैं, इनके ये यूजेस हैं, ये पाइप जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो बच्चे क्या है उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, उनकी क्लियरिटी क्या है उस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ठीक है। यह एक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया है, मतलब एक फॉलो कंटिन्यूस प्रक्रिया है कि आप उसको फॉलो ही कभी भी कंटिन्यूस रूप में क्या है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है घटनाओं और प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना आसान हो सकता है। मतलब अगर हम कुछ अलग एक किताब उठाएं जिसमें 2010 का डाटा हो, एक उठाएं जिसमें 2012 का हो, एक उठाएं जिसमें 2018 को, अब आपको तीनों की क्या है किताबें अलग अलग हैं, आपको रिवीजन के टाइम पे क्या होगा, आप एक उठा रहे हो वो पढ़ रहे हो, फिर उठा रहे हो फिर पढ़ रहे हो, कोई एक मिस हो गई फिर दो का डाटा इकट्ठा रह जाएगा, तो बार बार उठाने की बजाय क्या है उसको एक ही जगह पे कलेक्ट कर लो एक चार्ट या टेबल बना के, तो उसमें क्या होगा 2012 2014 2018 का डाटा, ये चीज़ें, तो आपको एक ही जगह पे वो सारी चीज़ें क्या है ईजी वे में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप एक संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज वे में चार्ट के थ्रू अपने डाटा कलेक्ट कर सकते हो। इसका संग्रह करना आसान होता है, मतलब इसको खरीद कर या बाकी चीज़ों में संग्रह करके मतलब संभाल कर रखने में आसानी होती है, कोई ज़्यादा स्पेस नहीं घेरती है कि पूरी अलमीरा की अलमीरा इतना बड़ी जगह ले जाएगी तो इसको कहाँ पे रखूँ, छोटी सी चीज़ है आपने फोल्ड किया टेबल के ऊपर अलमारी के ऊपर डाल दिया, इजीली आप इसको अपने घर में स्कूल में क्लासरूम में अलमीराज में डेस्क के बेंचेस में इसको कलेक्ट करके रख सकते हो, तो इसके संग्रह में आसानी होती है। और बच्चों का क्या है इससे चिंतन और बौद्धिक सूझबूझ की प्रक्रिया को विकसित किया जा सकता है। मतलब बच्चे को इसके टूवर्ड्स मतलब आप चार्ट के थ्रू पढ़ा रहे हो तो बच्चों की क्या है सूझबूझ और चिंतन प्रक्रिया जागरूक होती है, वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये चीज़ कैसे है ये चीज़ कैसे है। अगर मान लीजिए आप कोई हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में भी बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपने आज आगरा दिखाया कल कुतुब मीनार दिखा रहे हो, तो बच्चों में क्या होगा एकदम से माइंड में आएगा कि आगरा देखा था वाइट कलर का उसकी शेप ऐसी थी, कुतुब मीनार देख रहे हैं इसकी शेप लंबी है और कलर बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों के दिमाग में एकदम आती हैं और उससे क्या है बच्चों की कॉन्सेप्ट्स के प्रति क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ट की तैयारी में सामग्री का प्रयोग। आप जब भी चार्ट बनाते हैं तो आपको किन किन आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है चार्ट बनाने के लिए, जो आपके यूजेस होते हैं उसमें कि एक अच्छा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग चार्ट बन सके। पहला,
मोटी एवं मजबूत ड्राइंग शीट का, कोई एक मोटी और मजबूत कागज़ का जो ड्राइंग शीट हो जिसपे आप आरेख कर सको, मतलब ड्राइंग कर सको। सेकंड, विभिन्न प्रकार के रंगों का, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होने चाहिए आपके पास। अगर आप ताजमहल बता रहे हो, आगरा बता रहे हो या फिर कुतुब मीनार बना रहे हो, तो उसमें आपको डिफरेंट कलर्स का यूज़ करना पड़ेगा। इमारत के लिए अलग, स्काई के लिए अलग, और ज़मीन के लिए अलग, घास के लिए अलग, कुछ पिलर्स के लिए अलग, उसके बोर्ड पे लिखाई के लिए अलग। तो ये सारे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आपके पास होने चाहिए। विभिन्न प्रकार की रंगों की पेंसिल, वही सेम चीज़। पैमाना होना चाहिए, मतलब वही स्केल या फिर कंपास वगैरह ऐसे औजार होने चाहिए जिससे आप इजी वे में एक अच्छी ड्राइंग कर सको। चार्ट को तैयार करते समय स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे चार्ट को लपेटते समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना फैले, ठीक है। चार्ट पे ऐसी स्याही का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो जल्दी सूख जाए, और जब आप चार्ट को फोल्ड करो तो एक तरफ से दूसरी तरफ क्या है, इंक ना लगे और कुछ भी वहाँ पे गड़बड़ ना हो। तथा जो उसका कागज़ होना चाहिए वो थोड़ा मोटा और टिकाऊ होना चाहिए। अध्यापक के द्वारा समय समय पर चार्टों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक बार एक टॉपिक पढ़ाने के लिए क्या है, आपने चार्ट का यूज़ कर लिया फिर यूज़ नहीं किया, तो समय समय पे उसका यूज़ किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा यानी कि स्टूडेंट्स के द्वारा क्या है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए। चार्ट तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस कोई भी कागज़ चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है। कागज़ का आकार कटाफटा नहीं होना चाहिए या चार्ट का एक बड़ा भाग खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब आप अगर ड्राइंग कर रहे हो या चार्ट बना रहे हो तो आप इस वे में ना बनाओ कि आपका चार्ट का मान लीजिए ये इतना भाग है और आपने कुछ ड्राइंग करी तो इस कोने में ही कर दी, ये चीज़ खाली रह गई। तो आपको इसीलिए प्रॉपर वे में ड्राइंग करनी है, चार्ट बनाना है कि आप पूरा एरिया कवर करो, बड़ा बड़ा लिखो, मोटा मोटा लिखो ताकि पूरा कवर भी हो और देखने में वो सुंदर भी लगे, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं, ये हमने पढ़ लिए अपने चार्ट। अब इसके बाद आती है बारी पोस्टर्स की, ठीक है। पोस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, ओके। अब बारी आती है पोस्टर्स की, तो पोस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। पोस्टर्स क्या होते हैं, आपने एड्स देखे होंगे, एडवर्टाइज देखे होंगे रोड्स पे। आप निकलते हो घर से बाहर, कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हो या कुछ, तो आपने सड़कों के किनारों पे पोस्टर्स लगे देखे होंगे, मूवीज़ के पोस्टर्स लगे देखे होंगे, या किसी प्रोडक्ट के देखे होंगे कि बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए ऑयल कौन सा यूज़ करें, और आप काले हैं तो गोरे कैसे हमें फेयर एंड लवली लगाएं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारे पोस्टर्स होते हैं। पोस्टर्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर कुछ ऐसा डाटा दिया जाए जो काफ़ी कम अक्षरों में लिखा हो और लेकिन आपकी समझ के अनुरूप हो। तो उसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए फेयर एंड लवली का ही पोस्टर ले लेते हैं कि फेयर एंड लवली के बारे में किसी को कुछ एडवर्टाइज़ करना है या पोस्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सांवली सी लड़की का वो बना देंगे डायग्राम और उसके सामने एक गोरी लड़की का डायग्राम बना देंगे, तो उसको कन्वर्ट करते हुए दिखा देंगे कि सांवली थी गोरी हो गई, कौन सी क्रीम लगाई, यहाँ पे क्रीम बना देंगे, यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे कि फेयर एंड लवली, ठीक है, रुपीज़ लिख देंगे, बात खत्म। तो उससे क्या है, उस पोस्टर को देख के आपको जो उसके बारे में कुछ जानकारी थी वो प्राप्त हो गई कि काले से गोरे होने के लिए क्या चीज का यूज किया जा रहा है, क्रीम का यूज किया जा रहा है, फेयर एंड लवली का, ठीक है। ऐसे ही आप कोई मूवी का पोस्टर देखते हो कि हेलो ब्रदर है या कुछ है, तो उसके अंदर यहाँ पे जो एक्ट्रेस है वो होंगे, यहाँ पे मूवी का वो हो गया, एक दो डायलॉग हो गए, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मूवी कैसी है, थोड़ी कॉमेडियन है, सीरियस वे है, या किसी हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, दार्शनिक है, कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पोस्टर, जिसके माध्यम से है कम सूचना देते हुए आप पूरी जानकारी किसी को प्रदान करते हो, ठीक है। ये होते हैं पोस्टर्स आपके। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, वर्तमान युग में पोस्टर का युग है। अब आपको पता ही है हर चीज़ के लिए पोस्टर्स यूज़ होते हैं, क्या है वो आपके स्टडी से रिलेटेड हो, अगर बुक का भी एडवर्टाइज करना है तो भी उसके पोस्टर्स निकल जाते हैं। यद्यपि पोस्टर का उपयोग व्यापारिक के कार्यों
कार्यों के लिए ही किया जाता है, किंतु स्थानीय समाज से संबंधित तथ्यों को भी पोस्टर के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। हम मान सकते हैं कि किसी भी बिजनेस टाइप के लिए हम पोस्टर्स का यूज़ करते हैं। अब फेयर एंड लवली कोई बेच रहा है तो क्या बिजनेस कर रहा है? अपना कोर्स कोई बेच रहा है तो बिजनेस कर रहा है? और उसके बाद आप मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ के पोस्टर बिजनेस ही है वो, लेकिन उसके अलावा भी क्या है, संबंधित तथ्यों से रिलेटेड भी हम पोस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पढ़ाने हैं या किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए क्या आप पोस्टर मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें इसमें विद्यार्थी है स्थानीय उद्योग, बैंकों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पोस्टर के विचार को उत्तम शैली और स्पष्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब पोस्टर्स को जो आप से संबंधित कैसे है कि आप किसी ब्रांच या SBI की ब्रांच के बारे में पता कर सकते हैं। अब आपने SBI के भी पोस्ट देखे होंगे कि वो होम लोन निकालते हैं या बिजनेस लोन या कुछ भी, तो यहाँ पे भी ऐसे चार्ट दिया होता है, उसमें डाटा होता है कि होम लोन इतना परसेंट, ये यहाँ पे आदमी होता है वो सोच रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पोस्टर्स है। तो वो हमें इस प्रकार की जानकारी भी पोस्टर्स से मिल सकती है। अब पोस्टर की विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि पोस्टर्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसमें अच्छाइयाँ क्या क्या है। पहली आती है विचार, यानी कि पोस्टर के अंदर किसी के विचारों को प्रयुक्त करने का माध्यम है। अगर आप कोई भी पोस्टर बना रहे हो, चाहे वो फेयर एंड लवली हो, मूवी हो, कुछ भी हो, तो उसके थ्रू आप कोई ना कोई विचार प्रयुक्त कर रहे हो, कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो अपने सामने वाले बंदे को कि मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये चीज़ कहना चाहता हूँ, तो आप इस चीज़ को पोस्टर के माध्यम से समझो, ठीक है। दूसरा आता है व्यवस्था, मतलब दूसरी व्यवस्था, दूसरी विशेषता हो गई इसकी लेआउट या व्यवस्था, एक प्रॉपर व्यवस्था में होना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। रंग, अच्छे कलर्स का यूज़ होना चाहिए, अच्छे कलर्स का यूज़ नहीं होगा तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, कोई भी उसको नहीं देखेगा। अगर बोरिंग पिक्चर या ब्लैक एंड वाइट टाइप का पोस्टर टांग दिया तो मैं भी यूँ देखूँगी, निकल जाऊँगी, लेकिन आगे जाके मुझे काफ़ी हाईलाइट कलर्स दिख रहे हैं, इंटरेस्टिंग कुछ नया चमकता हुआ दिख रहा है, अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिख रही है, तो मैं भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, वो क्या है ये पढ़ूँ, पूरा पढ़ूंगी, ठीक है। तो कलर्स का यूज़ अच्छा होना चाहिए। संक्षिप्तता यानी कि ब्रीफनेस होनी चाहिए, जो पोस्टर के माध्यम से बात कही जा रही है वो पूरे कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए, अब मैंने आपको फेयर एंड लवली का ही आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे एक सांवली सी लड़की बना दी, अब यहाँ पे गोरी सी लड़की बना दी, तो इसमें क्या है, एरो ऐसे ऐसे होंगे कि ये डार्क था, ये वो, ये लाइट था, ये डार्क 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 होते हुए पता चले, तो हमें पता चलता है कि फेयर एंड लवली में सांवले से गोरा किया जाता है। लेकिन अगर इसी के अंदर एरोज थोड़े गड़बड़ कर दिए जाए, मतलब एरोज ऐसे ना जाके इसमें एरोज ऐसे कर दिए जाएँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो अपोजिट हो गया कि गोरे से क्या है आपको काला बना देगी फेयर एंड लवली, ठीक है। आप फेयर एंड लवली का यूज़ करो तो आप गोरे से क्या है काले हो जाओगे, तो मतलब अपोजिट मतलब हो गया ना, केवल एक एरो की वजह से। तो इसीलिए संक्षिप्तता होनी चाहिए, आप जो भी दर्शा रहे हो उसमें सरलता और क्रमबद्धता होनी चाहिए, जिससे आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल जो बात कहना चाह रहे हो वही बात कह सको, ठीक है। लास्ट है इसमें आकर्षण, यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब बात करते हैं यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पोस्टर। अब पोस्टर के यूजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ये बात कर लेते हैं कि महत्व क्या है। पहला पॉइंट आता है, पाठ प्रस्तुतिकरण के स्तर पर पोस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें पोस्टर का प्रयोग करना है, मतलब पाठ प्रस्तुतिकरण, आपके लेसन की जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए आप पोस्टर का यूज़ कर सकते हो। लेसन मान लीजिए कोई कहानी के ऊपर है कि हमें राजा बीरबल की कहानी सुनानी है, तो पोस्टर बना सकते हो कि राजा बीरबल दिखा सकते हो, उसके जो भी पॉइंट यानी कि कॉन्सेप्ट के ऊपर बनानी है, उसके बहुत सारे तथ्य विचार थे ना, तो अलग अलग विचारों पे बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी विचार पे आपको कहानी करवानी है वो विचार यहाँ लिख सकते हो, तो बच्चों को इससे समझ आ जाएगी कि हम राजा बीरबल के बारे में पढ़ेंगे और इनकी इस वाली कहानी के बारे में, ठीक है। तो आप अपने पार्ट की प्रेजेंटेशन के लिए पोस्टर्स का यूज़ कर सकते हो। कक्षा कक्ष की क्रियाओं में पोस्टर की सहायता से
अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्लासरूम के अंदर आपको जो भी प्रेजेंटेशन देनी है वो पोस्टर के माध्यम से बहुत ईजी वे में आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। किसी महत्वपूर्ण विचार, घटना, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संबंधित पोस्टरों का यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर आपके माइंड में कोई विचार आ रहे हैं, कुछ घटनाएं हैं, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं हूँ अभी घर पर हूँ, अपने सब्जी काट रही हूँ या टीवी देख रही हूँ, एकदम से दिमाग में कुछ थॉट आया कि बच्चों को ये चीज़ पढ़ानी चाहिए, ये चीज़ समझानी चाहिए। अगर उस टाइम पे मैंने मार्क नहीं किया, लिख के नहीं रखा, तो कल जब मैं क्लासरूम के अंदर जाऊँगी तो शायद भूल जाऊँगी। तो उसको क्या है, मैं इस टाइप के पोस्टर्स रेडी कर सकती हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई पोस्टर बनाया, यहाँ पे एक टीचर खड़ी कर दी, उसके माइंड में यहाँ पे थॉट आ गया, वो लिख दी कि इस टाइप का थॉट आया है, या मॉर्निंग थॉट्स आपको देनी होती हैं तो वो लिख दी, यहाँ पे दूसरे दिन दूसरे की उस पे थॉट लिख दी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके जो विचार, घटनाएं और प्रक्रियाओं से संबंधित है, ध्यान आपको केंद्रित करना है कहीं पे, तो उसमें आप पोस्टर्स का यूज़ कर सकते हो। पोस्टर का यूज़ भावात्मक पक्ष से संबंधित व्यवहार परिवर्तन में अधिक उपयोगी है। मतलब किसी भी बच्चे के व्यवहार परिवर्तन में, यानी कि बिहेवियर चेंज में, आप सबसे ज़्यादा पोस्टर का यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन और आपके भावनाएं देखी जाती हैं। ठीक है, पोस्टर शिक्षण प्रक्रिया को सफल और आकर्षक बनाता है। पोस्टर्स का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इजी बनाता है। यदि पोस्टर्स का प्रयोग कक्षा के प्रभावी ढंग से किया जाए तो अध्यापक को उद्देश्यों की पूर्ति बड़ी सरलता से हो जाती है। मतलब पोस्टर का यूज़ अगर टीचर को अच्छे से करना आता है, अगर उसको पता है कि किसी भी फीलिंग को, किसी भी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या चीज़ दिखा के करनी है, तो बड़े इजी वे में जो आपके प्री प्लान ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने में क्या है, सहायक होती है। एक उचित वातावरण तैयार करने में सहायक होते हैं पोस्टर्स आपके। अगर बच्चों का ध्यान इधर उधर जा भी रहा है, वो अपने खेल मस्ती में लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ छेड़खानियाँ कर रहे हैं, किसी को नींद आ रही है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पोस्टर्स दिखाते हो बच्चों को, इंटरेस्टिंग कलर्स से मेंटेन किए हुए, बड़े बड़े चित्र, बड़ी बड़ी राइटिंग, तो बच्चे क्या एकदम से उठ जाएंगे कि मैम क्या दिखा रही है, वो ये चीज़ है, ऐसे है। तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, या वहाँ पर टीचिंग लर्निंग जो आपकी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप पोस्टर्स का कर सकते हो। और समाज की समस्याओं से जो जरूरी चीज़ें हैं उसके लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए आप पोस्टर्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी जो भी आपके करंट अफेयर्स न्यूज़ चल रही हैं, कि आप एक पोस्टर बना सकते हो कि यहाँ पे कोई घटना घट गई है, करंट अफेयर्स न्यूज़ है कि इलेक्शंस हुए, इस डेट को हुए, किसी ने इतने वोट लिए, किसी ने इतना प्राप्त किया, ये हार गया तो ये नर्वस फीलिंग में है, ये बहुत हैप्पी है, तो इस टाइप के जो भी समस्याओं और ऐसे तथ्य आपको बच्चों को पढ़ाने हैं तो उसके लिए आप क्या है, पोस्टर्स का यूज़ वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद पोस्टर्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, सृजनात्मक शक्ति को विकसित करने के लिए। मतलब बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हम पोस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पोस्टर एक ऐसी चीज़ है, पोस्टर्स भी ऐसे हैं कि वो बच्चों के माध्यम से बनवाए जा सकते हैं, टीचर के माध्यम से बनवाए जा सकते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे की क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर आज आप एक पोस्टर बना के लाए हो तो कल बच्चों को बोल सकते हो कि ठीक है बच्चों, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप इससे अपनी नॉलेज के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है, मेरे अगर हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपको हेल्प करूँगी, लेकिन आप एक प्यारा सा पोस्टर बना के लाइए, तो बच्चों की वहाँ पर आप क्रिएटिविटी चेक कर सकते हो कि बच्चा अपने आप को, अपने वर्ड्स को, अपनी फीलिंग्स को वहाँ पे कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, किन कलर्स का यूज़ कर रहा है, किन पिक्चर्स का यूज़ कर रहा है, कैसी फीलिंग्स का यूज़ कर रहा है, कि कोई पिक्चर्स उसने सैड वाली बनाई है, कोई हैप्पी वाली बनाई है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चों के वर्ड्स पता चलती हैं कि बच्चों को भी ये सब चीज़ों की जानकारी है। उसके बाद रुचि जागृत करने के लिए तथा मानस पटल पर स्थाई बनाने के लिए। मतलब मानस पटल होता है आपका
परमानेंट नॉलेज इंक्रीज करने के लिए. अगर किसी चीज़ को मैं सिर्फ एक बुकिश लैंग्वेज में आपको समझा दूंगी तो आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन अगर मैं पोस्टर्स के माध्यम से उस चीज़ को डायग्राम और कलर्स के थ्रू समझाऊंगी तो आपके लिए वो परमानेंट नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो उसमें हमारे पोस्टर्स काफ़ी अच्छे होते हैं. पोस्टर अच्छे गुण और आदतें भी विकसित करते हैं. आप बच्चों को पोस्टर्स के अकॉर्डिंग गुड और बैड हैबिट सिखा सकते हो. किसी में चोरी का पोस्टर दिखा सकते हो कि चोरी करनी बुरी बात है, देखो चोरी करी, फिर उसको पुलिस पकड़ के ले गई, देखो अब ये जेल में है, जेल दिखा दो. और ऐसे गुड हैबिट सिखा सकते हो कि आपके सामने कोई दिवाली का फंक्शन है, सामने आपके कोई पेरेंट्स आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, तो आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, मिठाइयाँ खिलानी चाहिए, सबको शेयरिंग करनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें भी आप क्या पोस्टर के माध्यम से कर सकते हो. मूल्यों में परिवर्तन लाने पर पोस्टर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. ठीक है, वैल्यूज़ में जो परिवर्तन आता है बच्चों की वैल्यूज़ में, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके पोस्टर्स. अगर बच्चों की वैल्यूज़ में डिफ्रेंशिएट आपको देखने को मिल रहा है तो मीन्स पोस्टर्स आपके सबसे ज़्यादा उसके अंदर हेल्पफुल होते हैं. ओके, अब बात करते हैं पोस्टर की तैयारी की, प्रिपरेशन ऑफ पोस्टर्स क्या हैं आपके. ये इसका लास्ट पॉइंट है कि प्रिपरेशन यानी कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए पोस्टर की. अब पोस्टर बनाने की तैयारी के लिए रेशमी पटल पद्धति यानी कि सिल्क स्क्रीन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कभी पूछ सकते हैं कि सिल्क स्क्रीन प्रोसेस यानी कि रेशमी पटल पद्धति आपके लिए किसके लिए यूज़ की जाती है. ये आपकी पोस्टर्स के लिए यूज़ की जाती है. अब इसके अंदर किया क्या जाता है, इसके अंदर पोस्टरों के डुप्लीकेशन के लिए यह एक सरल प्रक्रिया है. मतलब आपको पता है कि आपको पोस्टर्स बनाने हैं तो आप किसी ना किसी चीज़ की तो डुप्लीकेट कर ही रहे हो, किसी ना किसी चीज़ की कॉपी तो कर ही रहे हो, सिर्फ उसका क्या है एक एक्सप्रेशन का वे चेंज कर रहे हो, लेकिन आप डुप्लीकेट कोई चीज़ रेडी कर रहे हो. ठीक है, पत्रिकाओं के आवरण पृष्ठ यानी कि कवर, निमंत्रण पत्र, कार्यक्रम को बनाने के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत उपयोगी है. अब आपकी ये प्रक्रिया यानी कि सिल्क स्क्रीन प्रोसेस किसके लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है, जैसे मैगजीन्स के कवर होते हैं, निमंत्रण पत्र यानी कि इनविटेशन कार्ड्स होते हैं शादी का, बर्थडे कार्ड का, ये सब, और कार्यक्रम को बनाने के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, सांगबान की लकड़ी से इसका फ्रेम तैयार किया जाता है. अब ये जो सिल्क स्क्रीन प्रोसेस में क्या है, सांग बान की एक लकड़ी आती है, सांग बान, सागबान, ठीक है, इसके अंदर साग बान की एक लकड़ी आती है जिससे इसका फ्रेम रेडी किया जाता है यानी कि चारों तरफ की बाउंड्री की जाती है. स्क्रीन के लिए रेशमी कपड़ा तथा डिज़ाइन बनाने के लिए स्लेटी सील का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, फ्रेम बनाने के लिए सागबान की लकड़ी उपयोग की जाती है, अंदर का डाटा रेडी करने के लिए एक रेशमी यानी कि सिल्क का कपड़ा यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्टेसिल, हाँ डिज़ाइन बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्टेनसिल का प्रयोग किया जाता है जिस पर अधिक खर्च नहीं आता है. स्टेनसिल को छापने वाले फ्रेम में कसकर बने हुए रेशम के पटल को चिपका दिया जाता है. अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, जो सांगमान की लकड़ी है उससे पहले फ्रेम बनाया जाता है, फिर सिल्क का कपड़ा लिया जाता है, फिर छपाई के लिए स्टेनसिल का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, तो जो कपड़ा होता है उसको फ्रेम के अंदर फिट किया जाता है, देन उसके ऊपर कपड़े के ऊपर क्या है स्टेनसिल के माध्यम से छपाई कर दी जाती है, कागज़ के तख्तों पर दाबी से कम स्याही पर पहुँचाई जाती है. यदि पोस्टर में एक से अधिक रंग का प्रयोग किया जाता है
अधिक रंग का प्रयोग किया जाता है, तो प्रत्येक रंग के लिए अलग अलग स्टेंसिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, स्टेंसिल बेसिकली आपकी छपाई के लिए है। अगर एक पोस्टर में एक से ज़्यादा रंगों का प्रयोग किया जाता है, कि एक पोस्टर में तीन कलर यूज़ हो रहे हैं आपके, ब्लू, ब्लैक, रेड, तो आप तो स्टेंसिल में क्या है, हर कलर के लिए अलग अलग स्टेंसिल यूज़ की जाएगी। सांगमान की लकड़ी आपके लिए फ्रेम के लिए रेडी करी जाएगी, ठीक है। अब इसका प्रोसेस देख लीजिए, विधियाँ हैं, सॉरी विधि क्या है ये देख लीजिए। कागज़ की स्टेंसिल की विधि, इस विधि में जो भी डिज़ाइन पोस्टर पर बनाया जा रहा है, इसे स्टेंसिल पर ट्रेस कर लिया जाता है। मतलब जो भी विधि या डिज़ाइन आपको कागज़ पे बनाना है, पहले उसे स्टेंसिल पर ट्रेस कर लिया जाता है, फिर उस पर स्टेंसिल की स्याही, रंगों, केस्टर ऑयल के लगे सांचे पर रख दिया जाता है, छापने वाले फ्रेम का भार स्टेंसिल पर डाला जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्रेम पर रंग या स्याही छिड़क दी जाती है और पोस्टर बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपके डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि पोस्टर आपके लिए क्यों यूज़फुल है। अगर टीचिंग पर्पज़ से क्यों यूज़फुल है वो तो आपके लिए पूछे जाएंगे। आपसे ये भी पूछ सकते हैं सिल्क स्क्रीन प्रोसेस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके पोस्टर से रिलेटेड है। अब सांगबांग की लकड़ी किस लिए यूज़ करते हैं, ये आपका साइंस से रिलेटेड EVS में भी पूछ सकते हैं, तो ये आपकी फ्रेम बनाने के लिए हो गई। अब रंगों की छपाई कैसे की जाती है पोस्टर्स के लिए, वो स्टेंसिल के द्वारा की जाती है, और हर कलर के लिए अलग अलग स्टेंसिल यूज़ की जा रही है। तो अब कागज़ की स्टेंसिल की विधि क्या होती है, कि उसमें पहले भी जो भी हमें डिज़ाइन पसंद आता है उसको स्टेंसिल के ऊपर रखा जाता है, कि उसको ट्रेस कर लिया जाता है, फिर उसमें स्याही कलर वगैरह रखे जाते हैं, एक सांचा तैयार किया जाता है, फिर छापने वाली जो भी दूसरा स्ट्रक्चर है कि मुझे इस पर छापना है, तो स्टेंसिल इस पर वजन लगाया जाता है और वो चीज़ इस पर छाप दी जाती है। आपने मार्केट में वो मेहंदी देखी होगी जो छपाई वाली होती है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास स्ट्रक्चर होता है, उस पर डिज़ाइन बना होता है, वो स्याही में लगाते हैं और आपके हाथ पे छाप देते हैं, तो वो सेम प्रिंट आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ सेम है इसके अंदर। और सेकंड है इसके अंदर फोटोग्राफी विधि। फर्स्ट हो गई इसमें विधियाँ हैं, कि ये जो छपाई होती है, जो आपके पोस्टर्स बनते हैं, वो किन किन विधि के द्वारा, दो विधि, जिसमें पहली थी कागज स्टेंसिल विधि, सेकंड है फोटोग्राफी विधि। फोटोग्राफी विधि में क्या है, फोटोग्राफी के स्टेंसिल वाणिज्य कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब फोटोग्राफी वाले जो आपकी विधि उपयोग की जाती है वो ज़्यादातर वाणिज्य के लिए की जाती है। इसके लिए बहुत महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है, उनको शिक्षा संस्थानों में प्रयोग नहीं किया जाता है। और पोस्टर का आकार कक्षा कक्ष के आकार पर निर्भर करता है। बड़े पोस्टर ज़्यादा से ज़्यादा 42x46 के आकार के हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पोस्टर्स कितने ले सकते हो आप, 42 इंचज़ मल्टीप्लाई 26 के, ठीक है। विद्यार्थियों को समय समय पर पोस्टर के बारे में बनाने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। पोस्टर निर्माण में शब्दों के प्रयोग के लिए अधिक महत्वपूर्ण रखना चाहिए। समाचार पत्रों में से काट कर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बाद में वे समय उचित अनुपात में शब्द लिखना चाहिए। कुल मिला के ये लास्ट में कि पोस्टर्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, उसकी छपाई कैसे होती है ये भी सीख लिया, दो विधियाँ कौन सी हैं ये भी सीख लिया। ध्यान रखिए, क्लासरूम के अंदर जब भी आप पोस्टर्स का यूज़ करें, उसकी छपाई अच्छी होनी चाहिए, या आप खुद से भी बनाएं तो उसकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बड़े आकार की स्पष्ट होनी चाहिए, चित्र अच्छे होने चाहिए, जो आप समझाना चाहते हो वही आप प्रदर्शित करें पोस्टर्स में, वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी पोस्टर्स के अंदर होनी चाहिए। अब आपके दो रह गए इसमें लास्ट, कार्टून और फोटोग्राफ। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ये वाली क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो PGT के लिए और ऑल एग्ज़ाम्स के लिए।